गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नए दिन के नए सवेरे के साथ मैं पूजा फिर से आई हूँ आप सभी लोगों के लिए एक नया ब्लॉग लेके। तो आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है दोस्तों सुबह सुबह नाश्ते से, और अभी हम लोग पी रहे हैं कुल्हड़ वाली चाय और समोसे। तो अभी हम पहुँचे हैं नजीमाबाद पे, तो हमारा अभी हो रहा है नाश्ता और आज का हमारा सफर है देहरादून तक, क्योंकि हम लोग देहरादून इसलिए जा रहे हैं मम्मी की थोड़ा सा तबीयत आपको पता ही है डाउन ही चलती है। तो आज हम लोगों ने सोचा, हम लोग हल्द्वानी में तो डेली दिखाते हैं मम्मी को और यहाँ तक कि बरेली राममूर्ति में भी दिखा चुके हैं, तो आज आंटी जी को दिखाने के लिए देहरादून जा रहे थे। तो हमने सोचा मम्मी को भी एक बार दिखा लाते हैं, उनकी रिपोर्ट वगैरह भी वहाँ दिखा लेंगे, क्या बताते हैं वहाँ के डॉक्टर तो वो पूछ लेंगे अच्छे से। तो इसीलिए हम लोग आज देहरादून जा रहे हैं और हम सब लोग साथ में ही जा रहे हैं। तो अभी नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद अपना सफर जारी करेंगे। तो अभी हम पहुंचे हैं हर की पौड़ी से आगे, तो हम लोगों ने हरिद्वार क्रॉस कर लिया है और उससे आगे निकल चुके हैं। तो अभी यहाँ पे ना हम लोगों ने अपनी गाड़ी में तेल डलवाया और उसके बाद अब जाते हैं सीधा देहरादून को और मिलते हैं आपको सीधा हॉस्पिटल जाके ही। हम लोग पहुंच चुके हैं देहरादून के जॉली ग्रांट हॉस्पिटल में, यानी कि हिमालयन हॉस्पिटल में। तो यहाँ हम लोग मम्मी को दिखाएंगे, थोड़ा चेकअप वगैरह करवाते हैं और रिपोर्ट्स वगैरह भी दिखाते हैं, क्योंकि मम्मी की दवाइयाँ तो वैसे हल्द्वानी से चली रही हैं, लेकिन हम लोगों ने सोचा आए हैं तो मम्मी को यहाँ भी दिखा लेते हैं एक बार। तो चलते हैं अंदर हॉस्पिटल में और क्या क्या बताते हैं मम्मी के बारे में वो सब आपको बताएंगे। तो ये है देहरादून का हिमालयन हॉस्पिटल, जहाँ हम लोग आज मम्मी को दिखाने के लिए लाए हुए हैं। तो चलते हैं अंदर को, और रावत जी और मिस्टर जी तो चले गए आगे आगे। तो हॉस्पिटल में आके ना हम लोगों ने पर्ची वगैरह कटा दी है, और पर्ची में ना 52 नंबर है, तो अभी लेट आएगा नंबर, तब तक हम लोग हॉस्पिटल से बाहर आ चुके हैं। और हम लोग ना घर से खाना लेके आए थे, तो हम लोगों ने सोचा खाना खा लेते हैं, तो खाना खा लेते हैं उसके बाद फिर डॉक्टर को दिखाएंगे। तो हमारा ना खाना आ चुका है और इसमें ना हम लोग रोटी और आलू बना के लाए थे घर से। तो हम लोगों ने ना खाना खाने के लिए जगह ढूंढ ली है और यहाँ पे हम सब लोग बैठे हैं लाइन बारी से। मिस्टर जी ने ना प्लेट भी गिरा दी। तो हम लोग ना घर से खाना लेके आए थे आलू और रोटी, यहाँ पे सब लोग को खाना खिलाते हैं, क्योंकि ना नाश्ता करने का तो टाइम है नहीं, खाना ही खा लेते डायरेक्ट। तो आलू और रोटी खाते हैं, उसके बाद हॉस्पिटल में अंदर जाएंगे मम्मी को दिखाने के लिए। तो यहाँ पे ना मैंने सबको दे दिया है और ये रही मेरी प्लेट। तो सब लोग खाना खाने लग गए। कैसा हो रहा मम्मी, नमक हो रहा नहीं? हिनू कैसा हो रहा? नहीं भी हो रहा तो खाना तो पड़ेगा। मिस्टर जी कैसा हो रहा? तो सब लोग को देने के बाद ना अब मैं भी खाना खा लेती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ आपको। तो हम लोगों ने ना खाना खा लिया है और अब हम जा रहे हैं अंदर, तो डॉक्टर को दिखा के आते हैं मम्मी को, उसके बाद आपको मिलते हैं। तो अभी ना टाइम हो चुका है 1:58, तो और हमारा नंबर ना अभी तक नहीं आया है। तो अभी हम लोग फिर से बाहर आ गए, बाहर से बैठे हुए हैं और यहाँ पे ना हम लोग खा रहे हैं नमकीन। तो ये सबके हाथों में नमकीन दिख रही है, देखो सब लोग बैठे हैं, किसी का नंबर नहीं आया। अब क्या करेंगे, बैठे रहेंगे? मिस्टर जी नंबर नहीं आया। तो अभी किसी का भी नंबर नहीं आया है, अभी नंबर चल रहा है 33। तो हम लोग बाहर आए थे तो अब आ गया होगा 34 या 35 चल रहा होगा। तो अभी थोड़ी देर तब तक यहीं बैठते हैं, नमकीन वगैरह खाते हैं, उसके बाद फिर से अंदर को जाएंगे। तो अब हम लोगों ने मास्क लगा लिया है और अब चलते हैं फिर से अंदर को। और अब ना जब तक मम्मी और आंटी को दिखा नहीं लेंगे तब तक बाहर नहीं आएंगे, अब दिखा के ही बाहर आएंगे। तो हम लोग ना हॉस्पिटल से निकल गए हैं और आज ना हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि ना नंबर भी नहीं आया। और अभी हम लोग अभी जस्ट 4:30 बजे फ्री हुए, उसके बाद हम लोग निकल चुके हैं वहाँ से। तो हम लोगों ने ना हरिद्वार भी क्रॉस कर लिया और अभी हम लोग एक ढाबे पे रुके हुए हैं। तो ये ढाबे का नाम ना मैंने वैसे फिल्मों में ही सुना है, लेकिन आज रियल में भी ढाबे पे बैठ के चाय पीते हैं और कुछ खा भी लेते, क्योंकि भूख भी लग चुकी है। और आज का सफ़र ना काफ़ी ज़्यादा थकावट वाला था, काम कुछ नहीं था बस जो भी था, लेकिन थकान बहुत ज़्यादा लग गई है। तो मम्मी और आंटी को तो दिखा दिया है और उनकी दवाइयाँ भी चल गई हैं, तो अभी कुछ टाइम दवाइयाँ खिलानी है, उसके बाद टेस्ट वगैरह होंगे, तो अभी चाय वगैरह पीते हैं फिर मिलते हैं आपको। तो आज ना सब लोग थक गए, ये भी थक गई, आंटी भी थक गई और मम्मी भी थक गई है। तो हम लोग ना पहुंच चुके हैं घर पे और अभी थोड़ी देर पहले ही पहुंचे हैं। तो हाथ मुंह वगैरह धोते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं। तो खाना भी बन चुका है, दीदी ने खाना वगैरह सब बना रखा है, तो चेंज वगैरह करते हैं, उसके बाद आपको मिलते हैं। तो हाथ मुंह धोने के बाद ना हमारा यहाँ पे खाना भी लग चुका है, खाने में है चावल और यहाँ पे झोली और वो पनीर की सब्जी। तो खाना खाते हैं और खाना खाने के लिए ना सब लोग बैठ चुके हैं। तो आज ना मेरी जेठानी का बर्थडे भी है, तो आप लोग बर्थडे विश करेंगे तो उसके लिए थैंक यू। लेकिन आज हम इनका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे, क्योंकि आज हम लोग काफी तरह थक गए हैं, तो हम इनका बर्थडे कल सेलिब्रेट करेंगे। तो पहले खाना वगैरह खा लेते हैं फिर मिलते हैं।
गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नए दिन के नए सवेरे के साथ मैं पूजा फिर से आई हूँ आप सभी लोग के लिए एक नया ब्लॉग लेके। तो आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है सुबह के 8:30 बजे से और हम लोग भी नहा धो के रेडी हो चुके हैं। तो चलते हैं नीचे, नाश्ता बनाते हैं और आज ना हिनू लोग भी अपने घर को जा रहे हैं। तो काफ़ी टाइम से हम लोग साथ में थे, साथ में सफ़र किया, साथ में रहे, मतलब बहुत अच्छा साथ रहा हमारा इस बीच में। लगभग एक हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है टूर, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा साथ रहा हमारा। और आज ना वो लोग अपने घर को जा रहे हैं, तो काफ़ी इमोशनल वाला मोमेंट होने वाला है आज, तो अच्छा भी नहीं लग रहा है। तो अभी चलते हैं नीचे, सबसे पहले नाश्ता बनाते हैं उन लोगों के लिए, क्योंकि वो लोग भी जाएंगे और हम लोग भी नाश्ता करेंगे। तो पहले चलते हैं नीचे। तो हम लोग आ चुके हैं नीचे और यहाँ पे नाश्ते की तैयारी करते हैं। तो नाश्ता तो बन चुका है, दीदी ने रोटी बनाती थी और मैंने सब्जी बना दी है। तो अभी नाश्ता खिलाते हैं सबको और हम लोग भी साथ साथ ही नाश्ता करते हैं। तो हमारा नाश्ता हो चुका है और इन लोगों ने भी हमारा नाश्ता वगैरह कर लिया है। तो अब वो लोग भी जा रहे हैं अपने घर को और यहाँ पे मम्मी पीठा वगैरह लगा रही है। तो तैयारी तो फुल हो चुकी है जाने की, अब रोक भी नहीं सकते हैं। तो बहुत टाइम भी हो गया, काफी ज्यादा सफर रहा साथ में, अच्छा लगा। तो अब चलते हैं। एक चक्कर ना हम लोग भी ऊंचा पुल जा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने ना दक्षिणों की किताब भी लेनी है और इन लोगों को भी ऊंचा पुल तक छोड़ देते हैं, उसके बाद वो लोग भी अपने घर को जाएंगे। तो हम लोग बुक्स वगैरह भी ले आते हैं, क्योंकि कल से ना स्कूल खुल रहे हैं। तो ऊंचा पुल जाने से पहले ना हम लोग एक चक्कर आए हुए हैं नर्सरी में, क्योंकि यहाँ से ना फूल वगैरह ले जाने हैं इन लोगों को। तो यहाँ नर्सरी नजदीक में ही है, तो हम लोगों ने सोचा यहाँ से लेके जाएंगे। तो इनको यहाँ से फूल वगैरह दिलाते हैं, उसके बाद बुक्स लेने जाएंगे। तो यहाँ पे ना हम लोगों ने भी फूल ले लिए हैं और एक ये वाला, एक ये और बाकी ये लिए हैं। तो नर्सरी में आगे ना रावत जी को भी फूल लेने की हो जाती है। तो घर में जो बोल रहे हैं कि घर में जो रखे हैं वो हल्के हल्के सूखने लगे, तो नए वाले प्लांट लेके जाते हैं। तो नए वाले प्लांट ले लिए हम लोगों ने यहाँ से। तो वहाँ पे हिन्नू लोगों ने अपने फूल पैक कर दिए और यहाँ पे हमारे रह गए हैं, तो इनको भी पैक कराते हैं, उसके बाद चलते हैं यहाँ से। तो मैं आ चुकी हूँ घर पे और तब तक ना मैं फूल वगैरह लगाती हूँ, क्योंकि दीदी और भैया गए हैं एक चक्कर डॉक्टर के पास, क्योंकि दीदी के ना कब से दांत में दर्द हो रहा था, तो तोड़ाना है शायद, पता नहीं। तो अभी क्लिनिक गए हुए हैं, तो भी पता चलेगा तोड़ा है या दवाई दी है। पिछली बार ना जब हम फूल लेके आए थे तब तो ये अच्छे खासे हो रहे थे, अब इस बार ना सूख गए, क्योंकि ये सीजनल वाले होते हैं, कभी फूल आ जाते हैं अच्छे खासे, कभी एकदम से मुरझा जाते हैं। तो इनको निकाल के इनकी जगह पे इनको लगाते हैं। तो हम लोगों ने ना यहाँ पे लगा दिए फूल जो मैं लेके आई थी, वो सारे गमले में लगा दिए हैं और सारे गमलों की ना गुड़ाई भी कर दी है मस्त वाली। तो अब शाम को इनमें पानी डालूंगी, उसके बाद ही गमले सही हो जाएंगे। गमले लगाने के बाद ना अब खाने की तैयारी करती हूँ, क्योंकि 11:30 बज चुके हैं और दीदी और भैया भी नहीं आए अभी तक, शायद मुझे लग रहा है क्या पता दांत तोड़वा के आएंगे, क्योंकि उनका ना दांत बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था, तो अभी आए नहीं है। और राव जी भी आज मार्केट तक ही गए हैं, अभी घर आ जाएंगे, क्योंकि वो भी आज ऑफिस नहीं गए, तबीयत भी ठीक नहीं, क्योंकि इतने टाइम से ना सफ़र 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 ही हो जा रहा रोज, तो थक भी गए थे। तो आज घर ही पे हैं और फिर शाम के टाइम पे हम लोगों ने बच्चों के कॉपी किताब लेने भी जाना है, क्योंकि कल से खुल रहा है स्कूल, तो कल से डेली का रूटीन वही हो गया, वही स्कूल जाना, वही लाना, ऐसा वैसा जो भी है। तो अभी पहले खाना बनाती हूँ, उसके बाद आपको मिलती हूँ। तो मैं ना आ चुकी हूँ किचन में और खाने की तैयारी करते हैं। तो आज के खाने में बन रहा है आलू टमाटर की सब्जी और भात। तो मैंने उसके लिए ना आलू यहाँ पे उबाल दिए हैं, यहाँ पे मसाला तैयार कर दिया और यहाँ पे टमाटर काट के रख दिए। तो फटाफट से ना खाना बना लेते हैं। तो हमारा दिन का खाना हो चुका है और अभी ना मैं रेडी होके जा रही हूँ रावत जी के साथ बाजार तक, क्योंकि मैंने बच्चों के कपड़े वगैरह लेके आने हैं। तो फटाफट से ना जाते हैं और कपड़े लेके आते हैं और आपको सीधा मार्केट में ही मिलते हैं। तो मार्केट में ना आज इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है, मतलब एक दुकान में जा रहे तो इतनी ज़्यादा भीड़, सामान लेने जैसा भी नहीं हो रहा है। तो हम लोगों ने ड्रेस वगैरह तो ले ली और अब हमने लेने हैं लंच बॉक्स और पेंसिल बॉक्स, तो वो चीज़ देखते हैं। तो दिन के 3:30 हो चुके हैं और हमारा ना बाजार का सारा काम हो चुका है, तो सारा सामान ले लिया है, आधा सामान स्कूटी में भी है। तो अभी चलते हैं घर को, क्योंकि बच्चे भी वेट कर रहे हैं और बच्चे ना काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं कि उनके लिए आज नया बैग, नया लंच बॉक्स और नया पेंसिल बॉक्स आ रहा है। तो चलते हैं घर को और बच्चों को भी दिखाते हैं हम क्या क्या लेके आए। तो हम लोग भी पहुंच चुके हैं घर और घर आके ना चेंज वगैरह भी कर लिया है, चाय वगैरह भी पी ली है। तो अब ना हम लोग अपने अपने काम पे लग गए हैं और काम ना पहले सबसे पहले काम हम पता क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं बच्चों के कॉपी किताबों में कवर लगाने का। कॉपी किताब तो सुबह ले आए थे, लेकिन अब उसमें कवर लगाने का टाइम आ चुका है, क्योंकि कवर वगैरह लगा देते हैं फिर बैग वगैरह में रख देंगे। और बच्चों के लिए बैग लाए तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए, क्योंकि होता है ना वो बच्चों के लिए नई चीज़ लेके आओ तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, तो ऐसे ही हो रहा है। तो आपको दिखाती हूँ दादाजी क्या क्या करने में लगे हुए हैं। तो राव जी ने ना यहाँ पे चाय भी पी ली है, चाय पीने के साथ साथ ये लगा रहे हैं कवर बच्चों के कॉपी किताब में। तो
कॉपी किताबों में कवर लगाने के बाद मैं आ चुकी हूँ किचन में और करते हैं खाने की तैयारी क्योंकि टाइम भी हो चुका है। तो आज की सब्जी बन रही है आलू और अंडे की सब्जी। तो आलू और अंडा बनेगा आज खाने में, तो इसको सब्जी बनाती हूँ। तो रात के 8:30 बज चुके हैं और यहाँ पे ना खाना भी बनके तैयार हो चुका है, तो बच्चों को भी खिलाते हैं और साथ साथ में हम लोग भी खाते हैं। तो आज के खाने में आपको बताइए अंडे की सब्जी बनी हुई थी। तो यहाँ पे ना रावल जी के साथ दोनों बच्चे देखो कैसे बैठे हुए हैं। अरे मम्मी के साथ नहीं बैठते, हम खाली पापा के साथ बैठते हैं और पापा के साथ ही सोते हैं। अच्छा, और पापा कुछ काम करते हैं, नहलाते हैं, ब्रश करते हैं, धुलाते भी नहीं है। मम्मी के साथ सोते हैं, मम्मी हमको सिलाती भी है और अच्छा भी मानती है। अच्छा, अभी तो तू बोला था कि मैं पापा के साथ सोता हूँ, पापा बहुत अच्छे हैं। अभी तो बोला, तो सबसे अच्छा किसको मानता है? एक बता, एक बता, एक। तो हम लोग इनको ऐसी कंफ्यूज कर देते हैं कि किसको अच्छा मानता है। तो दक्षु तो मेरे साथ होता है तो मेरे को अच्छा मानता है, और काबी तो पापा को अच्छा मानती है। काबी किसको अच्छा मानती है? पापा को। और मम्मी को? मम्मी को नी काबू, मम्मी को नी। तो ये दोनों के दोनों बच्चे पापा के साथ खाना खाने में लगे हुए हैं। वहाँ पे सीजू भी अपनी बारी का इंतजार कर रहा है, तो इसको भी खाना देते हैं और हम लोग भी खाना खाते हैं। तो आज की सब्जी इतनी बची है मान ले। तो अभी हम लोग भी आ चुके हैं रूम पे और अभी करते हैं रेस्ट, क्योंकि लेट भी बहुत हो चुका है। तो कल के ब्लॉग को हमने ना आज के ब्लॉग में कंटिन्यू किया था, क्योंकि हम लोग कल देहरादून गए थे, रात को लेट हो चुका था, तो उसको हमने नेक्स्ट वीडियो में ही कंटिन्यू कर दिया था। और आज तो आपको बताइए हम लोग दिन भर बच्चों के बुक्स, किताब, ड्रेस वगैरह लाने में बिजी रह गए थे। तो इसके साथ ना वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो या आपके चेहरे में स्माइल आई हो मेरी वीडियो को देख के, तो मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलती हूँ आपको कल एक नए ब्लॉग के साथ, तो तब तक के लिए आप लोग भी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।